क्या आपको कभी गुदा में लेटरिंग करते वक्त बहुत तेज़ दर्द होता है? क्या सुबह के वक्त लेटरिंग करने जाना आपके लिए डर की एक वजह बन गया है? क्या लेटरिंग के रास्ते थोड़ी थोड़ी मात्रा में हार्ड लेटरिंग के साथ खून लग कर आता है? या फिर लेटरिंग के रास्ते चने के दाने के जैसा कुछ लटका हुआ महसूस होता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है और आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। मैं आयुर्वेद क्षार सूत्र विशेषज्ञ हूँ, जिसमें गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, पाइनोडियल साइनस जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो फिशर है, यानी इसको गुदाचीर भी बोलते हैं। फिशर्स में होता क्या है, जब कोई व्यक्ति टॉयलेट जाता है, टॉयलेट में उसको हार्ड पोटी आई या फिर कब्ज हुआ, उसकी वजह से उसकी पोटी के रास्ते में एक चीरा लग जाता है। उस चीरे में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। कभी कभी वहाँ से खून भी आता है। खून सामान्य तौर पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हार्ड पोटी के साथ लग कर आता है। इसी कंडीशंस को हम मेडिकल साइंस में फिशर्स इन एनो या फिशर्स बोलते हैं। इसको हिंदी में गुदाचीर और आयुर्वेद में परिकार्तिका बोलते हैं। परिकार्तिका का अर्थ है कैंची के जैसे कटने समान वेदना होना। फिशर जो है वो सामान्य तौर पर पोस्टीरियर साइट पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पोस्टीरियर साइट, जैसे हमारा एनल रीजन है, ये ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट होता है, जो दरम्यान की तरफ वाली साइट होती है उसको एंटीरियर साइट बोलते हैं, और जो कमर की तरफ वाली साइट होती है उसको पोस्टीरियर साइट बोलते हैं। जो पोस्टीरियर फिशर है वो एंटीरियर फिशर की तुलना में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति में दोनों साइड पे भी फिशर्स देखने के लिए मिल जाता है। फिशर जो है वो पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जो यंग फीमेल, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उनको प्रेगनेंसी की वजह से कब्ज होता है, और इसी कब्ज की वजह से उनको फिशर होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिशर के अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से गुदा में दर्द होता है, जैसे इंटरनल पाइल्स या फिर एब्सेस यानी कि फोड़ा बन जाना, इनकी वजह से भी गुदा में दर्द होता है। लेकिन फिशर जो है वो मोस्ट कॉमन रीज़न है गुदा में दर्द का। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि फिशर्स की बचाव के उपाय क्या हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।